ना कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे, तो अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी कहाँ से स्टार्ट होगी या एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो सर, एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट होगा सोइल से। सोइल से कैसे होगा? क्योंकि सोइल में ही सीड की सोइंग की जाएगी और सोइल से क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। अब सोइल की अगर अपन बात करें तो सोइल में कई चीज़ें रिक्वायर होती है प्लांट के सीड के लिए। वाटर हो गया, एरिएशन हो गया, कुछ में लाइट्स की प्रेजेंस, कुछ में लाइट्स की एब्सेंस, है ना। तो इनके साथ साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कि सोइल में न्यूट्रिएंट होना भी जरूरी है अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से करवानी है और अगर प्लांट का लाइफ साइकिल अच्छे से कंप्लीट हो और उसके साथ साथ ही अपने को एक अच्छा प्रोडक्शन मिले। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए अगर अपन वाटर एरिएशन की बात करें, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक न्यूट्रिएंट। क्योंकि न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती है। कोई सी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, आपके तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें भी न्यूट्रिएंट की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप कह दीजिए रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें भी न्यूट्रिएंट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। फ्रूट डेवलपमेंट हो गया, फूड मैच्योरिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, सब किस पे डिपेंड है? सब न्यूट्रिएंट पे डिपेंड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट। तो अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट वो चीज होती है, न्यूट्रिएंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या कहीं से लेता है फूड की फॉर्म में। और उनसे जो न्यूट्रिएंट वैल्यू मिली थी अपने को, यानी कि जो एलिमेंट्स है अपने को, वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एलिमेंट की वैल्यू क्या करेगी, अपनी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको कंप्लीट करवाएगी। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है न्यूट्रिएंट की। अब अगर अपन प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात होगी, प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो यानी कि प्लांट क्या करता है, कुछ एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, इसलिए कुछ एलिमेंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब वो एलिमेंट्स जैसे ही एब्जॉर्ब की, वो एलिमेंट्स क्या किस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शन में। एब्जॉर्ब किसने किया? प्लांट ने किया। और क्या काम करेंगे? प्लांट के मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट। ऐसे अगर अपन आगे चलते हैं, एक आता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अब देखिए, अगर अपन पास्ट में जाएं तो कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए। बट 1939 में दो साइंटिस्ट आए, आर्नोन और स्ट्राउट। उन्होंने क्राइटेरिया दिया, उस क्राइटेरिया में तीन स्टेटमेंट को ऐड किया उन्होंने। अब जो न्यूट्रिएंट उन तीन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा उसको अपन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अब सर, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और प्लांट न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेम से लग रहे हैं? नहीं। अगर अपन एग्जाम्पल ले ले अपनी तौर पे, एक मनुष्य पे ले ले, एक इंसान पे ले ले, ह्यूमन बींग्स पे ले ले, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं कि एक इंसान को खाना खाना जरूरी है, एक इंसान के लिए खाना खाना जरूरी है यानी कि आवश्यक है। आवश्यक को क्या बोलेंगे? अपने एसेंशियल बोलेंगे। अब खाने में क्या होना चाहिए? अगर अपन नॉर्थ इंडियन फूड की बात करते हैं तो मेनली रोटी रखते हैं, और साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं तो राइस चावल को फूड के लिए यूज में लेते हैं। इंसान दिन में दो बार तीन बार खाना खाता है, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो हेल्थ है वो वीक हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, इलनेस आएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज उसमें देखने को मिलेगी। तो यानी कि खाना खाना जरूरी है, जरूरी को अपन मेनली आवश्यक बोल देते हैं और आवश्यक को अपन क्या बोलते थे, एसेंशियल है।
जबकि अगर अपन बात करें, अपने कहा कि जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। तो सर कई हमने देखे हैं कि जो नट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, अंजीर खाते हैं, फिग रात को भिगो देते हैं, सुबह खाते हैं, यानी कि वो खा रहे हैं, वो बेनिफिशियल तो है अपने लिए। यानी कि अगर उनका अपने यूज करते हैं, नट्स का अगर अपने यूज कर रहे हैं तो बेनिफिशियल तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने को खाना पड़ेगा। जरूरी क्या है, जरूरी अपने को है खाना खाना पड़ेगा, या अगर खाना नहीं खाएंगे तो अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो सेम डिफरेंस होता है प्लांट न्यूट्रिएंट और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट वो होते हैं कि जिनमें जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और जिनके एप्लीकेशन के आफ्टर एप्लीकेशन हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, लाइक क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, हो सकता है। बट अगर अपन बात करें, अगर वो उनकी प्रेजेंस नहीं है प्लांट न्यूट्रिएंट की, तो भी प्लांट क्या है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। सेम नट्स वाली बात आ गई। अगर अपन आगे चले तो अपन बात करते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की। तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है, अपन ने जैसे भी कहा कि एक इंसान को अच्छा रहने के लिए खाना खाना ही पड़ेगा, तो सेम यहां पे बात आती है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की, कि इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट की लाइफ साइकिल तो कंप्लीट होगी होगी, बट इन न्यूट्रिएंट की वजह से प्लांट की लाइफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कंप्लीट, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, अगर इनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो प्लांट की लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं होगा, और प्लांट का अगर लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, भी प्लांट डेड हो जाएगा, प्लांट डेड हो जाएगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है, यानी कि अपने को अगर प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करवानी है तो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट करवानी होगी, अगर प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट करवानी है तो अपने को इन न्यूट्रिएंट्स को देना पड़ेगा, और अगर इन न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी तो उसको अपन आवश्यक बोल सकते हैं, और आवश्यक को बोलेंगे एसेंशियल। यानी कि माइनर डिफरेंस होता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और प्लांट न्यूट्रिएंट में। तो पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट की। अपन ने जैसे अभी कहा कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, दोज न्यूट्रिएंट्स, सॉरी दोज एलिमेंट्स दैट प्लांट एब्जॉर्ब फॉर कंप्लीट देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस दोज एलिमेंट्स दैट प्लांट एब्जॉर्ब फॉर कंप्लीट देयर मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज नोन एज प्लांट न्यूट्रिएंट। ये बात होगी प्लांट न्यूट्रिएंट की। अब अपन बात करते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट,
तो देखिए, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का एक क्राइटेरिया दिया जिसमें तीन स्टेटमेंट दी, तो लिखते हैं अपन। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया गिवन बाय आर्नोन एंड स्ट्राउट इन 1939। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का जो क्राइटेरिया था वो किसने दिया, तो दिया आर्नोन स्ट्राउट। कब दिया? 1939 में। अब अपन आगे बढ़े, तो इसमें थोड़े से एरर था और उसको रीडिफाइन कर दिया। अब ये रीडिफाइन भी किसने किया? तो देखो, बनाया किसने? आर्नोन ने। पहले नाम किसका आया? आर्नोन का। तो जिसने बनाया, कमी भी किसको दिखी? उसी को दिखी। तो रीडिफाइन भी किसने किया? उसने किया। क्राइटेरिया रीडिफाइन क्राइटेरिया रीडिफाइन बाय आर्नोन इन 1954। कब रीडिफाइन कर दिया? तो 1954 में रीडिफाइन कर दिया, यानी कि लगभग 15 साल बाद में। पहले इसको दिया, फिर उसके 15 साल बाद में क्या कर दिया? इसको रीडिफाइन कर दिया। अब इसमें जो तीनों स्टेटमेंट थी वो देखते हैं अपन। पहली स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट आती है कि प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। थोड़ा सा इसको समझिए। एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, अगर उसकी कमी है तो प्लांट क्या है, खुद की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप सब्जी बना रहे हो, घर पे सब्जी बना रहे हो, और आपके पास क्या है? नमक नहीं है। क्या है? नमक नहीं है। तो अगर आपने नमक नहीं डाला, यानी कि नमक डेफिशिएंट है, साल्ट, तो अगर आपने नमक नहीं डाला सब्जी में, तो आप कह सकते हो कि सब्जी बन गई? नहीं बनी ना, क्योंकि सब्जी में स्वाद नहीं आया, सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। तो यानी कि एक प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो सेम अगर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती। दूसरी बात, आपने नमक नहीं डाला और टेस्ट करके देखा, आपको डायरेक्ट पता चल गया कि इसमें नमक नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि टेस्ट ऑफ वेजिटेबल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन या प्रेजेंस ऑफ साल्ट, यानी कि जो सब्जी का स्वाद था वो किसके साथ सीधा संबंध रखता है? नमक के साथ। तो सेम ए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू या डायरेक्ट इंटरफेयर इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट। यानी कि नमक का स्वाद, नमक का संबंध किससे था? सब्जी के स्वाद से। वैसे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट डायरेक्ट किससे रिलेट करता है? तो सर वो करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ प्लांट। अगर अपन आगे चलते हैं, तो आपके पास नमक नहीं था, तो क्या आप नमक की कमी को चीनी से मिटा सकते हो? यानी कि सब्जी में नमक नहीं था, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो जो नमक का स्वाद था क्या वो चीनी दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो अगर अपन इसका तीसरा स्टेटमेंट देखें, अगर नमक की कमी को चीनी नहीं सुधार सकती, तो आप एक बात कह सकते हो कि अगर नमक की कमी हो तो उसको
करेक्ट कौन कर सकता है? ओनली नमक कर सकता है। तो सेम अगर अपन इसमें देखते हैं, तो अगर एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है ओनली उसी न्यूट्रिएंट को देके, या उसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को अवेलेबिलिटी में चेंज करके, अदर न्यूट्रिएंट से अपन उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, समझ में आया आपके? तो प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को मैंने EPN लिख दिया, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंडीशन। अगर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो रही है और उस कंडीशन में कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी कि अपन ऐसे भी कह सकते हैं प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, विदाउट एनी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? ऐसे कर लो, सिंपल रहेगा आपको। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट एनी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब अपन आगे चलें तो अपने क्या कहा, अपन ने क्या कहा भी कि नमक का सीधा संबंध किससे था? तो नमक का सीधा संबंध डायरेक्ट वेजिटेबल या सब्जी के स्वाद से था। तो यानी कि एक न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है या किसमें पार्टिसिपेट करता है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो लिख सकते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कैन बी टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक कैन बी टेक कैन बी टेक पार्ट डायरेक्टली इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट। यानी कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट किससे रिलेटेड होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से डायरेक्ट, ठीक है। तीसरी अगर अपने स्टेटमेंट की बात करें तो अपने क्या कहा कि नमक की कमी को केवल नमी से सुधारा जा सकता है, न कि चीनी से। तो सेम अगर अपन बात करते हैं कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को केवल उसकी न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन को अपन उसी से करेक्ट कर सकते हैं, तो द डेफिशिएंसी ऑफ एनी इसेंशियल
प्लांट न्यूट्रिएंट कैन बी करेक्टेड बाय कैन बी करेक्टेड बाय अप्लाइंग देख न्यूट्रिएंट अप्लाइंग डेट न्यूट्रिएंट यानी कि अगर आप उसी प्लांट न्यूट्रिएंट को अप्लाई कर रहे हो तभी जाके क्या होगा एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी करेक्ट होगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं तो बात करते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए कितने हैं? तो अगर देखा जाए तो 1987 के बिफोर यानी कि 1987 के पहले क्या होता था, 16 न्यूट्रिएंट को ही ओनली इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट माना जाता था। बट 1987 में क्या हुआ, 1987 में एक साइंटिस्ट आए ब्राउन, 1987 में एक साइंटिस्ट आए ब्राउन, उन्होंने कहा कि नहीं, एक 17 नंबर का एक न्यूट्रिएंट होता है, एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और होता है जिसको हम 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानेंगे, एक इसेंशियल प्लांट और होता है जिसको अपन 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के नाम से जानेंगे। तो वो कौन सा था, वो था निकिल, वो कौन सा था निकिल। तो नाउ डेज अगर अपन टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो कितने हैं, 17। ये प्लांट्स के लिए, अगर एनिमल्स के लिए बात करें तो एनिमल्स में 18 होते हैं और अगर अपन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में 19 होते हैं। अपन याद रख से प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल खाता है, एनिमल और प्लांट को दोनों अपन खा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है कितना है, 17 है। लास्ट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एक पॉइंट ए और एड करते हैं, लास्ट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या लास्ट माइक्रो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये ईपीएन का मतलब क्या है, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो लास्ट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन सा था, निकल, और इसकी सेंसिटिविटी किसने दी, तो निकिल सेंसिटिविटी गिवन बाय ब्राउन, निकिल डायरेक्ट निकिल इसेंशियलिटी गिवन बाय ब्राउन कब दी गई, तो 1987 में दी गई। ठीक है, इधर भी 87 है, इधर भी 17 है, तो लगभग लगभग अपने को याद रखना है। ठीक है, किसने दी, तो ब्राउन ने दी। ठीक है, आगे चले तो आगे चल के अपन बात करते हैं तो देखिए, ये तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की बात हो कर दी, 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि 17 टाइप के न्यूट्रिएंट हैं जो मेनली क्या है, प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और इनकी
डेफिशिएंसी की कंडीशन में प्लांट खुद की लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो ये 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये डिफरेंट टाइम के काम करेंगे, इनके क्या क्या वर्क है, इनके क्या क्या डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज दिखाई देती है, डिजीज क्रिएट होती है, अपन उसको पढ़ेंगे, अभी उसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है या प्लांट न्यूट्रिएंट है, उसको जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कैसे करता है। अगर एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है प्लांट में, ये भी तो अपने को पहले समझना है। अपने कह तो दिया कि कैसे काम करता है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, सर ये आपको देना पड़ेगा, तो उसके पीछे का अपने को काम भी तो समझना पड़ेगा, यानी कि प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे उसको क्या नाम है एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को कैसे फ्रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो चीज भी अपने को समझनी पड़ेगी। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसका सोर्स क्या है, किस फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी किन किन प्लांट्स में सीन होती है, इंडिकेटर प्लांट कौन है, वो सब अपन पढ़ेंगे। और इनकी सेंसिटिविटी, जैसे निकल की ब्राउन ने दी है तो सल्फर की किसने दी है, जिंक की किसने दी है, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले अपन देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यह सीक्वेंस ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, हेडिंग लगाइए सीक्वेंस ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको समझिए, तो अगर इसकी अपन बात करें तो ये क्या है सर, ये सोइल सरफेस है, यानी कि ये क्या है, इस लेयर के ऊपर अपर साइड पे सोइल लेयर, इसके बिलो सोइल सरफेस है। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, अपन ने कहा 17 है, तो 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट में से देखिए 3 प्लांट न्यूट्रिएंट ऐसे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो मेनली एनवायरनमेंट से आते हैं। उनका सोर्स क्या है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। बट 14 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं सोइल से। कहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोइल से। जो प्लांट न्यूट्रिएंट सोइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनको मिनरलाइज सोइल न्यूट्रिएंट बोला जाता है, और जो विदाउट सोइल तो उसको अपन नॉन मिनरलाइज न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जिनको विदाउट सोइल एब्जॉर्ब करते हैं उनको नॉन मिनरलाइज सोइल सॉरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं सर सोइल से आते, तो सोइल में न्यूट्रिएंट कहां से आए, तो जिस दिन अपन ने एग्रोनॉमी स्टार्ट करी थी या एग्रीकल्चर स्टार्ट करी थी, उस दिन अपन ने कहा था कि एक बिग बैंग थ्योरी दी थी। उस बिग बैंग थ्योरी में बताया कि 13.8 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, सन में ब्लास्ट हुआ था। अब वो जैसे ब्लास्ट हुआ तो उसके डिफरेंट बड़े बड़े पार्टिकल्स सन के क्या हुए, गैलेक्सी में बिखर गए, जिन्होंने गैलेक्सी का फॉर्मेशन कर दिया। अब वो पार्टिकल्स क्या है, उनकी अपर साइड थी जो जल्दी ठंडी हो गई, गर्मे का भी पाठ पूजा होती है, तो जो अपने लकड़ियों की आग होती है वो अपर साइड उसकी जल्दी ठंडी होती है, लेकिन अंदर उसके आग होती है कहीं ना कहीं। सेम अगर अपन अर्थ में देखें तो अर्थ में भी लावा और मैग्मा है, लेकिन अपर साइड जो लूज साइड जिसको बोला जाता है, अपर साइड लूज होती है, इनर कंपैक्ट होती है। तो अपर साइड थी वो क्या हुई, लूज थी, जो वो ठंडी हुई, आराम से ठंडी होने के बाद में उसने क्या किया, सोइल का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे सोइल का फॉर्मेशन किया तो जो इनर पार्ट में मैग्मा होता है, लावा होता है, जब भी लावा ठंडा होता है तो उससे 3 तरह की रॉक्स बनती है, आग्ने, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी, 3 तरह की रॉक्स बनती है। अब ये इन रॉक्स की वजह से क्या होता है कि ये रॉक्स भी जब इनमें वेदरिंग होता है, वेदरिंग क्या होता है, जब भी कोई बड़ी चीज फिजिकल, केमिकल या अदर बायोलॉजिकल
फैक्टर की वजह से क्या होता है, जब ब्रेकआउट होके छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है, तो उसको अपने वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रॉक्स थे इनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट पीएच और डिफरेंट बायो टाइप्स में क्या होता है, इसका वेदरिंग होती है, या डिफरेंट इकोलॉजी में इसकी वेदरिंग होती है। अब वो इकोलॉजी विद जो डिफरेंट इकोलॉजी थी उसमें जब क्या हुआ, उसमें जब वेदरिंग होगी तो उससे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स बनेंगे, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स बनेंगे। ये मिनरल्स किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, पीएच और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के बनेंगे। कोई एसिडिक नेचर का होगा, कोई बेसिक नेचर का होगा, जो मिनरल होंगे। ठीक है, अब वो मिनरल बने और वो मिनरल क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेंगे। जो अपने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़े 17, तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वो मिनरल क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करेंगे सोइल में। इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है भी, तो सर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो जिसमें कार्बन होता है, जो मेनली प्लांट्स के जो रेसिड्यूज होते हैं, जब भी सर इनका डिकम्पोजिशन होता है तो एक ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ह्यूमस क्या करेगा, ह्यूमस भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाएगा, किन के लिए, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट, ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का सोर्स होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर अपन बात करें सोइल की, तो सोइल में दो चीजें होगी, क्या क्या होगा इसको अच्छे से समझना, सीक्वेंस से समझना और ऐसे कैसे बना लेना। ठीक है, अपन थ्योरी ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी का अपन काम नहीं कर रहे, अपन मेनली एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन में जितना कम लिखा जाए और जितना ज्यादा समझा जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो सोइल में क्या होगा, सोइल में एक तो ऑर्गेनिक मैटर है और उसके साथ साथ ही मिनरल है। अब ये मिनरल और ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट देने का काम करेंगे, क्या काम करेंगे, न्यूट्रिएंट देने का काम करेंगे। बट ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, यहां पे अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, अन अवेलेबल फॉर्म में होता है। अब ये जो अनअवेलेबल फॉर्म है, या ये अनआयनिक फॉर्म में होता है, कि प्लांट्स एब्जॉर्ब किसे करते हैं, आयनिक फॉर्म को करते हैं। इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म प्लांट के लिए अनअवेलेबल होती है, जबकि ऑर्गेनिक फॉर्म से अपन आगे चल के देखेंगे जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगी, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, थीके? अब ये तीनों का क्या होगा, ये तीनों चेंज होगी, किसमें चेंज होगी, तो ये सर अनअवेलेबल फॉर्म थी, जो ये किसमें चेंज हो जाएगी, ये अवेलेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और उसके साथ ही अगर अपन बात करें तो अनायनिक फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, आयनिक, क्योंकि प्लांट्स मेनली न्यूट्रिएंट को किस रूप में, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो आयनिक फॉर्म में। और जो ऑर्गेनिक था वो किस में चेंज हो जाएगा, तो इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाएगा। अब ये इनऑर्गेनिक में चेंज हुआ, अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में चेंज हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे मिनरलाइजेशन, क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या बोलेंगे इसको, मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में, या फिर अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में, या फिर
अनायनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है? तो सर ये मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ही मिनरलाइजेशन हुआ, अपने यहां पे एक प्लांट भी बना देते हैं, अगर अपन बात करें यहां पे एक फ्रूट बना देते हैं, ये क्या फ्रूट है? अब इसकी रूट्स भी होगी भी। अब जब भी ये आयनिक फॉर्म में हो जाएगा तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे प्लांट्स के थ्रू, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। यानी कि दूसरा अगर अपन बात करें तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब बाय रूट्स। दूसरा क्या हो गया? रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, रूट्स के थ्रू क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। कौन? न्यूट्रिएंट। अब जैसे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर क्या होगा? इसका ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गई? तो अगर अपन देखें तो थर्ड स्टेप क्या आ गया? थर्ड स्टेप आ गया सर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अब देखिए ट्रांसलोकेशन हुआ। ट्रांसलोकेशन होने के बाद में ये कहां पहुंच गया? ये फ्रूट्स में पहुंच गया। और फ्रूट्स में क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगी एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। अब ये एसिमिलेशन क्या होगा? तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म आया था, इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म चेंज किसमें चेंज हो जाता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में। इसको अपन क्या बोल देते हैं? मिनरलाइजेशन बोल देते हैं, सॉरी एसिमिलेशन बोल देते हैं। सॉरी, जब भी कोई ऑर्गेनिक फॉर्म इन सोइल इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होती है तो उसको अपन मिनरलाइजेशन बोलते हैं, और जब भी इनऑर्गेनिक फॉर्म इन प्लांट्स ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होता है कोई भी न्यूट्रिएंट हो तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन एसिमिलेशन बोल देते हैं। और एसिमिलेशन के द्वारा ही क्या होगा? एसिमिलेशन के द्वारा ही क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, यानी कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स बनेंगे, और उसको फिर अपन खाएंगे तो अपन में भी एनर्जी आएगी। ठीक है, इतना हुआ। अब थोड़ा सा देखिए, ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ये ट्रांसलोकेशन से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, ये कौन से न्यूट्रिएंट थे? ये मिनरल न्यूट्रिएंट थे। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर से क्या क्या मिला? मिनरल मैटर, या मिनरल मैटर भी आएगा। जो न्यूट्रिएंट मिले उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन मिनरल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन न्यूट्रिएंट नॉन मिनरल होते हैं। अभी आगे जाके अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर अपन इसकी बात करें, इतना हुआ। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है, अब आपको पता है ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में जब भी कोई ट्रांसलोकेशन होता है वो मेनली
दो चीजों के कारण होता है। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो दो टिश्यूज होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन थ्रू द जाइलम ट्रांसलोकेशन थ्रू द जाइलम एंड ट्रांसलोकेशन थ्रू द फ्लोएम। मेनली जाइलम किसका ट्रांसलोकेशन करता है? तो मेनली जाइलम वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है। और अगर मेनली अगर बात करें अपन फ्लोएम की, तो फ्लोएम किसका ट्रांसलोकेशन करता है? तो मेनली फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। लेकिन न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन दोनों थ्रू में हो सकता है, जाइलम के थ्रू भी और फ्लोएम। अब देखिए, जाइलम को डेड टिश्यू भी बोला जाता है और फ्लोएम को लिविंग टिश्यू बोला जाता है। अब जब भी ये ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको? एपोप्लास्ट। और जब भी ये फ्लोएम के थ्रू होगा तो उसको अपन बोलेंगे सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट। जब भी ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं अपन एपोप्लास्ट, और जब भी फ्लोएम के थ्रू होता है उसको सिम्प्लास्ट। याद कैसे रखना है? फ्लोएम को याद रखना है फोन से। फोन में हमेशा क्या लगाते हैं अपन? सिम लगाते हैं। तो वहां से याद रखना है कि यानी कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको बोला जाता है सिम्प्लास्ट। बचा एपोप्लास्ट, तो एपोप्लास्ट किससे होगा? एपोप्लास्ट होगा सर जाइलम के थ्रू। इतना हुआ। यानी कि अगर अपन किसी भी न्यूट्रिएंट की बात करें तो पहले मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द रूट्स। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन दो टिश्यूज के द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अगर जाइलम के थ्रू हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एपोप्लास्ट, और अगर फ्लोएम के थ्रू हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन सिम्प्लास्ट। ये दो तरह का क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन हो गया। अब जब ये ट्रांसलोकेशन हुआ, ट्रांसलोकेशन होने के बाद में न्यूट्रिएंट कहां पे पहुंच गए? तो सर फ्रूट में पहुंच गए। अब जैसे ही न्यूट्रिएंट फ्रूट में पहुंचे तो क्या हो जाएगा? फ्रूट में पहुंचते ही एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होता है? तो एसिमिलेशन होता है सर जब भी कोई भी इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होती है तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हुई। तो मेनली ये प्रोसेस होती है एक न्यूट्रिएंट की इन द प्लांट। आगे चलें तो देखिए, मैं यहां पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की फिर से, एपोप्लास्ट मोमेंट एंड सिम्प्लास्ट मोमेंट। यानी कि ट्रांसलोकेशन थ्रू द ट्रांसलोकेशन थ्रू द जाइलम, और इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, ये तो हो गया मेनली। अब देखिए, जब भी अगर हम कोई प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, यहां पे मोमेंट नहीं आएगा, यहां पे ट्रांसलोकेशन आएगा। एक ही बात होती है, कोई बात नहीं है, फिर ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं अपन।
तो देखिए, जब भी अपन प्लांट की बात करते हैं तो जो भी प्लांट का टिप पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं एपिकल, और जो भी रूट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं? बेसल। अब देखिए, जब भी कोई मोमेंट एपिकल से बेसल की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है, जब भी ट्रांसलोकेशन एपिकल से बेस की तरफ होता है, यानी कि मेन लिए अगर अपन देखें फोटोसिंथेट्स होते हैं ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो फूड बनता है, तो उसका ट्रांसलोकेशन कहां से कहां होता है? तो सर उसका ट्रांसलोकेशन मेनली हमने देखा है कि एपिकल से बेस की तरफ होता है, यानी कि कहां तक हुआ? एपिकल टू बेस, यही हुआ। और सर वॉटर जब भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वॉटर का ट्रांसलोकेशन बेस से एपिकल की ओर होता है। दूसरा क्या हो गया? बेस टू एपिकल, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से खत्म हो रहा है। इतना समझ में आया? यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से खत्म हो, यहां पे खत्म हो रहा है। जब भी कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है उसको अपने को नहीं, उसका नाम नहीं लेना, जहां पे खत्म होती है मेनली अपन को उसकी नाम लेना है। तो एपिकल की अगर अपन बात करते तो एपिकल पे जो ट्रांसलोकेशन जाके पोज होगा, रुकेगा, उसको अपन बोलेंगे एक्रोपिटल मोमेंट। और जहां जो बेस पे जाके समाप्त हो गया, यानी कि स्टार्ट कहां से हुआ था? एपिकल से हुआ था, यानी कि एपिकल से स्टार्ट हो गया, बेस पे समाप्त हुआ, उसको अपन बोलेंगे बेसोपिटल मोमेंट। ठीक है, तो यानी कि इसमें और लिख लेते हैं, एक्रोपिटल और दूसरा बेसोपिटल मोमेंट। यानी कि एक्रोपिटल स्टार्ट कहां से हुआ था? बेस से, स्टार्ट फ्रॉम बेस टू एपिकल या टिप पॉइंट। एपिकल को अपन क्या बोल सकते हैं? टिप पॉइंट। और अगर अपन बात करें बेसोपिटल की तो स्टार्ट फ्रॉम टिप पॉइंट, यानी कि एक्रो एपिकल टू कहां पे जाके रुकता है? बेस पे। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको अपन बोल देंगे बेसोपिटल। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक्रोपिटल क्या होता है, बेसोपिटल क्या होता है। अब अपन आगे चलते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो क्लासिफिकेशन अगर अपन देखते हैं तो मेनली
टू टाइप्स में डिवाइड किया है। टोटल न्यूट्रिएंट कितने? टोटल न्यूट्रिएंट सर 17। अपन साथ के साथ इनको भी देखते जाएंगे ना, टोटल न्यूट्रिएंट 17। अब क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल रोमन अपन यूज करते हैं, तो पहला लेते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट या नॉन मिनरल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। दूसरी अगर अपन बात करें तो मिनरल न्यूट्रिएंट, तो मिनरल न्यूट्रिएंट। इनको अगर देखें, इनका अदर नेम होता है फ्रेम शिफ्ट न्यूट्रिएंट। इसके साथ साथ भी बेसिक न्यूट्रिएंट, बेसिक न्यूट्रिएंट इसके साथ साथ ही स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट, फ्रेम शिफ्ट न्यूट्रिएंट, बेसिक न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, ये तीनों इसके नाम है। ठीक है, अब अगर अपन आगे चले तो ये मेनली कितने होते हैं? सर ये होते हैं तीन। और ये कितने होते हैं? 17 में सर थ्री गए तो कितने बचे? 14। तो ये होते हैं सर 14। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है कार्बन यानी कि सी, दूसरा होता है हाइड्रोजन यानी कि एच, तीसरा होता है ऑक्सीजन यानी कि ओ। टोटल ड्राई मैटर अगर वेट देखते हैं, जब भी कोई प्लांट में न्यूट्रिएंट वैल्यू देखी जाती है तो उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी प्लांट की सेल में 70% क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर की वजह से ये बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं। इस वजह से पहले वाटर को बाहर निकाल दो, उसके बाद में जो ड्राई मैटर बचा यानी कि टोटल मॉइस्चर को क्या कर देना है अपने को? डिहाइड्रेट कर देना है यानी कि मॉइस्चर को हटा देना है। फिर उसके बाद में जो वेट बचेगा प्लांट का वो क्या बच जाएगा? उसको टोटल ड्राई मैटर बोलते हैं। ठीक है, अगर टोटल ड्राई मैटर का देखा जाए तो 45% तो होता है कार्बन, 6% होता है हाइड्रोजन और 45% क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी कि 96% तो कौन सा मिनरल? तो नॉन मिनरलाइज, नो सॉरी नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट। अब देखिए इसको बेसिक क्यों बोला गया? क्योंकि 96% पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? टोटल ड्राई मैटर में। तो इस वजह से ये क्या है? बेसिक न्यूट्रिएंट है यानी कि प्लांट्स को इसकी जरूरत है। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर किनकी वजह से बना? इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से बना, क्योंकि 96% है। और जब भी अगर कोई चीज का फ्रेम बनता है, अगर अपन छत भी डलवाते हैं तो लोहे का फ्रेम बनता है, काफी ज्यादा उसमें सरिया यूज में लिया जाता है, तो वैसे ही ये देखो 96% बना रहे हैं, तो यानी कि ये फ्रेम का फॉर्मेशन भी कौन कर रहे हैं? यही तीनों न्यूट्रिएंट। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब अगर अपन आगे चले तो मिनरल न्यूट्रिएंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर अपन देखें तो इनकी संख्या होती है 6 और माइक्रोन्यूट्रिएंट फिर कितना बचा? 8। ठीक है,
अब देखिए, मैं इनको मैक्रो क्यों बोलते हैं, इनको माइक्रो क्यों बोलते हैं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर होती है मोर देन 1 ppm, हालांकि परसेंटेज में होता है ये, और इनकी कंसंट्रेशन प्लांट में होती है लेस देन 1 ppm, ठीक है। अगर अपन बात करें फर्टिलाइजर के थ्रू सबसे ज्यादा दिया जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट को, सबसे ज्यादा इन न्यूट्रिएंट्स को, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कभी भी फर्टिलाइजर के थ्रू नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो सर ऑक्सीजन वाटर से आ जाएगी। हाइड्रोजन कहां से आएगा, सर हाइड्रोजन वाटर से आ जाएगा। और कार्बन, कार्बन कहां से आएगा, तो कार्बन CO2 से आएगा, और CO2 का सोर्स क्या है, एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट से इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है, यानी कि ये नॉन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट भी बोला जा सकता है इनको, यानी कि इनको फर्टिलाइजर के थ्रू अपन नहीं देते, ठीक है। अब अगर अपन आगे चल के बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को फिर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो इसमें भी तीन न्यूट्रिएंट है और इसमें भी तीन न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और अगर इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें आता है सल्फर, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम। देखिए आपने कहीं पे इसको कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर पढ़ा होगा, नहीं, लेकिन सल्फर को ऊपर लिखना है, अभी ऊपर नीचे लिखने में भी कुछ हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। देखिए अगर फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट पूछा जाए तो वो सल्फर होता है, लेकिन आप क्या करते हो, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर लिख लेते हो, और जब क्वेश्चन आता है फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट, तो आप क्या सोचते हो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पढ़ा था, तीन तो ये, उसके बाद में कैल्शियम मैग्नीशियम, क्योंकि इनकी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है, तो ये नेचर से अपने आप ले लेंगे, अपने को जो अपन दे रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से देखिए ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ही फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है सल्फर, ठीक है। तो इस वजह से सल्फर को अगर आप ऊपर लिखोगे तो इसको बार बार पढ़ोगे तो सल्फर याद रह जाएगा। अब अपन आगे चले तो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात होगी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे पर हम बात करें सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कौन आ गया, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब बचा कौन, अब बचा माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट बचा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर बचा तो देखिए अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट में कितने हैं, आठ, ठीक है, आठ न्यूट्रिएंट हैं। तो इसमें अपन लिखते हैं, इसको अपन दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला है बोरोन, दूसरा है क्लोरीन और तीसरा है मोलिब्डेनम। BCM यानी कि बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। अगर अपन इनकी एटॉमिक नंबर देखें तो देखिए बोरोन 5 नंबर, 17 नंबर और 42 नंबर, इन तीन को अपने को अलग रखना है। अब अपन चौथे की बात करते हैं तो 25 नंबर पे अपन चलते हैं, यानी कि अपने को किस परिवार में जाना है, जिंक परिवार में जाना है, पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में जाना है, ठीक है। तो अगर अपन
25 नंबर की बात करते हो, 25 पे मैग्नीज, 26 पे आयरन, 26 पे क्या आ गया आयरन, 27 पे कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट को नहीं लेना। 27 पे क्या आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है। फिर 28 पे अगर अपन देखें तो 28 पे क्या आ रहा है, निकिल। तो यानी कि अपने को 28 पे लिख देना निकिल। 29 की बात करें तो 29 पे कौन आ रहा है, तो 29 पे आ रहा है कॉपर। और 30 पे कौन आ रहा है, तो जिंक। अब देखिए ये पांच अपन ने लिखे हैं जिंक फैमिली से, मैग्नीज 25, आयरन 26, 27 कोबाल्ट को नहीं लेना, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर, और 30 पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। अब देखिए इन पांचों की खासियत एक जैसी रहेगी, और ये तीनों जो अपन ने अलग से लिखे हैं ये तीनों की खासियत एक जैसी रहेगी, ठीक है। अब देखिए अपने 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, नॉन मिनरल और मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट में अपन ने 3 लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट को अपने 2 भागों में यानी कि टू टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जिनकी 1 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, उनको फिर अपन ने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में अपने NPK लिख दिया, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में अपने सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम लिख लिया। आगे चलते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट को अपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि बोरोन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम तो एक ग्रुप है, और उसके बाद में अपने को जिंक फैमिली ले लेनी है, यानी कि डी ब्लॉक में ले लेना है। तो जिंक डी ब्लॉक में 25 एटॉमिक नंबर से देखें, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट को नहीं लेना, क्या आ गया फिर 28 पे निकल, 29 पे कॉपर और फिर जिंक, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो चुका है टोटल न्यूट्रिएंट्स का। एक बार अपन क्योंकि रिवीजन मारते हैं, क्या क्या पढ़ा अपन ने, अपने आज इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया, जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन देखी, फिर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया देखा। अगर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया किसने दिया, तो आर्नोन स्टाउट ने दिया। कब दिया, 1939 में दिया। आगे चलते हैं तो रीडिफाइन किसने किया, सर रीडिफाइन आर्नोन ने किया, कब किया, 1954 में किया। फिर अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने कहा कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने पर प्लांट खुद की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता। दूसरा अपन ने लिखा कि एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में या मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऑफ प्लांट में। आगे चले तो एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को अपन उसी से करेक्ट कर सकते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट से करेक्ट नहीं कर सकते। टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 17 है। लास्ट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट यानी कि लास्ट में कौन सा ऐड किया गया था, लास्ट में अपन ने निकल किया था, इसको 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है, और लास्ट माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपन ने अभी निकल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में लिखा, ठीक है। निकल एसेंशियल एसेंशियलिटी गिवन बाय ब्राउन, ब्राउन ने कब दिया, 1987 में दिया। आगे चलते हैं तो सीक्वेंस ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, तो अपन ने कहा कि सबसे पहले मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन क्या होगा कि अनअवेलेबल फॉर्म या ऑर्गेनिक फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, इनऑर्गेनिक या अवेलेबल फॉर्म में, इसको अपन मिनरलाइजेशन बोलेंगे। मिनरलाइजेशन के बाद में क्या होगा, रूट्स एब्जॉर्ब करेगी, रूट्स के एब्जॉर्ब के बाद में ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होने के बाद में एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म का ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होना। आगे चलते तो अपन ने पढ़ा कि एपोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन, जब भी ट्रांसलोकेशन थ्रू द जाइलम यानी कि डेड टिश्यू के थ्रू होता है तो उसको एपोप्लास्ट बोलते हैं, और जब भी ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है यानी कि लिविंग टिश्यू के साथ होता है तो उसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं। फिर अपने कहा कि एक्रोपिटल मोमेंट, जब भी मोमेंट बेस टू एपिकल होता है तो उसको अपने एक्रोपिटल मोमेंट बोलते थे, और जब भी एपिकल या टिप पॉइंट से बेस की तरफ होता है तो उसको अपन क्या बोलते थे, बेसोपिटल बोलते थे, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे चल के अपन ने देखा नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट और मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्लासिफाई कर दिया, और 3 अपने नॉन मिनरल में पढ़ दिया और 14 अपने मिनरल में पढ़ दिए, ठीक है। नॉन मिनरल में 3 पढ़ दिए, ठीक है। इसका अपने रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए इसको अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
हैं।